हाँ एकदम ठीक है। रात को बहुत तेज बुखार आ गई थी तो दिया। कितनी बार देना पड़ा था? नहीं एक बार ही दिया था, दोबारा तो दिया ही नहीं। अच्छा सुबह ड्यूटी गए हैं वो। अच्छा मतलब वो भी मान गए, मतलब वो भी मान गए कि गरीबी में है कुछ ताकत। हाँ मानते तो हैं, तो बोला था उन्होंने। अच्छा उन्होंने ही बोला था? हाँ कि पूछ लो उनसे कोई मतलब दवाई बता दे तो। मतलब क्या मतलब आप लोग नहीं मानते थे, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ कुछ होता है। हाँ देसी दवाई से होता तो है, ये तो है मानते। अभी सबने अंग्रेजी दवाई लेनी बंद कर दी है, बाकी जो देसी दवाई से इलाज है वो अंग्रेजी से थोड़ी ना। जो घर में हो उससे इलाज उससे बेहतर हो क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से हमारे हर घर की बहनों को जागना पड़ेगा। हाँ ये तो है, मैं तो मानती हूँ जैसे सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है घर में इलाज ढूंढे, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और सर्दी जुकाम छोटा बच्चा उसको उल्टी दस्त हो जाती है तो यही है, मैं तो जायफल वगैरह ऐसे देखी उसकी ठीक करती हूँ, मुझे कुछ लगती हूँ बस ऐसे ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। कितना दालचीनी लिया था? कितनी दालचीनी ली थी बुखार उतारने के लिए? दालचीनी वैसे मेरे पास पाउडर तो था नहीं, वैसे एक दूध का टुकड़ा था उसको ऐसे कूट के एकदम बारीक से और उसको उसके अंदर डाल दिया और उसको थोड़ी सर्दी भी या जुकाम होती है ना उस टाइप से था, तो मैंने चार तुलसी के पत्ते डाल दिए थे उसमें। रात के पत्ते मिल गए थे तुलसी के? नहीं मैंने लगा रखी है घर में तुलसी के पत्ते। अच्छा तो तोड़ के रखती हो आप? हाँ तो वो तोड़ के जैसे घर में झड़ जाते हैं उसको इकट्ठा करके एक डब्बी में रखती हूँ, वो डाल दिए तो उसको काफी आराम आ गया। चल बहुत बढ़िया ठीक है भैया। बताना भैया उसके मुझे ना जलन हो रही है इसकी, कोई बात नहीं वगैरह आता है ना तो चिंता ना कर, एक दो दिन कर लो ठीक है। हाँ। ना आराम पड़े तो फिर बताना। हाँ ठीक है भैया ठीक।